सीबीएसई ने कक्षा 12वीं का बोर्ड रिजल्ट जारी कर दिया है। कुल 87.33% स्टूडेंट्स कक्षा 12वीं की परीक्षा में पास हुए हैं। स्टूडेंट्स अपना रिजल्ट बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट result.cbse.nic.in या फिर cbse.gov.in पर विजिट करके चेक कर सकते हैं। रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करानी होगी। ऑनलाइन सीबीएसई रिजल्ट चेक करने का तरीका नीचे देख सकते हैं। जारी रिजल्ट में कुल 87.33% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। यह पिछले वर्ष से 5% कम है। बता दें कि देवेंद्रम जोन में 99.91% के साथ सबसे बेहतर प्रदर्शन किया है। वहीं बता दें कि लड़कियों का रिजल्ट लड़कों से बेहतर रहा है। छात्राओं का रिजल्ट छात्रों से 6% बेहतर रहा। लड़कों का रिजल्ट 84.67% रहा, वहीं लड़कियों का रिजल्ट 90.68% रहा है। सीबीएसई बोर्ड परीक्षा पास करने के लिए छात्रों को हर विषय में कम से कम 33% अंक हासिल करने होते हैं। छात्रों को इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों पेपर्स में पासिंग मार्क्स प्राप्त करने होंगे। इंटरनल पेपर में क्लास टेस्ट, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट शामिल हैं, जबकि एक्सटर्नल पेपर में फाइनल बोर्ड एग्जाम शामिल होते हैं। इस साल सीबीएसई बोर्ड परीक्षा 14 फरवरी 2023 को शुरू हुई थी। 10वीं क्लास की परीक्षाएं 21 मार्च को खत्म हुई, जबकि 12वीं क्लास की परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चली थी। इस साल लगभग 38 लाख से ज्यादा छात्रों ने सीबीएसई बोर्ड में मैट्रिक और इंटर बोर्ड की परीक्षा दी है। इनमें से 10वीं क्लास में 21,86,940 छात्र और 12वीं क्लास में 16,96,770 छात्र शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट टीम, टॉप स्टोरी न्यूज़।